नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं फिट करूंगा हिंदवेयर का वॉल माउंटिंग फ्लश टैंक जो कि 10 लीटर का है। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको मैं जो है इस एरिया में फिट करूंगा। ये देखिए, ये बाथरूम वाला एरिया है, स्लेटिंग बाथरूम अटैच है इसमें। इसमें जो है यहाँ पे आएगा वॉल हंग कमोड। ये देखिए, वॉल हंग कमोड का पॉइंट बनाया हूँ मैं, और इस साइड में जो है इंडियन सादा सीट आएगा। तो यहीं पे जो है ऊपर हम वॉल माउंटिंग फ्लश टैंक को फिट करेंगे जो हिंदवेयर वाला है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक एक चीज को बारीकी से समझाऊंगा मैं, और वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हिंदवेयर का फ्लश टैंक। अभी देखिए इसको निकाला मैं, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। और अभी इसके साथ में जो है तो देखिए फिर से इसके साथ में ये सब कुछ सामान है मिला है। ये इसका पाइप है जो नीचे यहाँ पे लगेगा इस तरह से। तो देखिए फिर से अभी ये लग चुका है, और ये जो है इसका कवर है। अभी वाल में फिक्स करने के बाद इसको हम इस तरह से लगा देंगे ताकि इसके अंदर कुछ जाए नहीं। और उसके बाद देखिए ये दिया है, ये इसका कवर है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो अभी फिटिंग करते टाइम इसको हम लगाएंगे इसको ढकने के लिए, ताकि इसके अंदर जो है मसाला ना जाए सीमेंट का। ठीक है, फिर उसके बाद इसको निकाल लेंगे, उसके बाद हम ये इसको लगाएंगे। ये देखिए इसका पुश करने वाला ये प्लेट है। देखिए ये जो है फुल फ्लस वाला है और ये हाफ फ्लस वाला है, और उसके साथ में ये दिया हुआ है, तो अभी इसमें लॉक होगा। ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, अभी इसको खोलूंगा मैं तो दिखाई देगा इसमें। इस तरह से ये लगेगा, और जब दबाते हैं ये, इसको जब हम दबाते हैं तब ये काम करता है, फ्लस ऊपर नीचे होता है। तो अभी इसको मैं रख देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, इसकी ज़रूरत आएगी टाइल्स जब लगेगा। टाइल्स लग जाने के बाद फिटिंग करते टाइम इसकी ज़रूरत होगी हमें। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है, ये इसका कवर है। ये इसका कवर हो गया, और ये जो है फ्रेंड्स इसका गारंटी कार्ड है, और सर्विस मैनुअल भी इसमें दिया हुआ है। अब इसको रख लेता हूँ मैं, और जो ये वाला है ये इसका स्टॉप वाल्व है, इसमें लगेगा, अभी खोल के लगाऊंगा मैं। और ये भी जो है इस बॉक्स को फिट करूंगा इससे, और ये इसका वाशर है जो कि जो कमोड होगा उसमें लगेगा ये। तो चलिए इसको मैं खोल लेता हूँ पहले। ये देखिए अभी ये निकल गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये इसका इस तरह से लगेगा इसमें, और ये इसका कनेक्शन पाइप है, तो कनेक्शन पाइप को इसमें मैं लगा दूंगा। ये देखिए ये लग चुका है कनेक्शन पाइप, और इसको जो है ये लग चुका है, अब इसी तरह से रहेगा ये। उसके बाद और ये कवर जो दिखाई दे रहा है, कवर को लगाऊंगा मैं। तो ये देखिए ये इस तरह से लगेगा, और दो स्क्रू दिया है इसके साथ में। ये देखिए इसमें है, तो एक इस साइड में लगेगा और एक इस साइड में लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका बॉक्स अब फिट हो गया है इसमें, और उसके बाद ये कवर लगा देता हूँ इसके ऊपर से, ताकि इसमें जो है सीमेंट का मसाला ना जाने पाए अंदर।
देखिए ये लॉक हो गया है, और उसके बाद ये देखिए ये जाली दिया हुआ है। ये तो ये जो जाली है इसमें हम इस तरह से लगाएंगे, ये जाली को इस तरह से लगाएंगे, जाली इसलिए दिया हुआ फ्रेंड्स ताकि जो है इसके ऊपर जो है सीमेंट का मसाला अच्छी तरह से पकड़ ले। तो देखिए दोस्तों सब कुछ सेट हो चुका है, एकदम बिल्कुल जो है अब तैयार है लगने के लिए, और अभी इसको मैं फिट करूँगा। तो देखिए चलो टॉयलेट में। तो अभी सबसे पहले जो देखिए एक कमोड है, इसका मैं सेंटर निकाल लेता हूँ मार्किंग करके, उसके बाद उसी हिसाब से इसको फिट करेंगे हम। तो ये देखिए जो है फ्लश वाला पानी इसमें आएगा, और ये जो है लाइटिंग वाला है, तो ये दोनों का सेंटर मैं ले लेता हूँ। सेंटर जो है दोस्तों 5.5 इंच इसका सेंटर आ रहा है, और अगर mm में नापे तो ये जो है 140 mm आ रहा है इसका सेंटर, 140 mm आ रहा है, और इंच में जो है 5.5 इंच आ रहा है। तो mm में मैं फिट करूँगा इसको, mm वाला मार्किंग जो है प्रॉपर है। तो ये प्लस वाला है और ये लाइटिंग वाला है, ये दोनों का सेंटर ले लिया हूँ मैं, अभी टॉयलेट में चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसको मैं लगा दिया हूँ, 140 जो है आना चाहिए कमोड में, जब मैं मेजरिंग किया था तो 140 आ रहा था। इससे जो है ये वाला इसका सेंटर दोनों का, ये लाइटिंग वाले से ये प्लस वाले का, कमोड में मैंने आपके दिखाया था 140 आया था, 140 mm। तो अभी देखिए फ्रेंड्स इसका जो सेंटर है प्लस वाले का सेंटर, और इसका सेंटर देखिए 140 mm आ रहा है यहाँ पे, 140 mm, और इंच की बात करूँ तो 5.5 इंच। सेम प्रोसेस है जैसे कमोड में आया था वैसे ही इसमें भी आया, अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा होगा तो कमोड जो है टाइल्स लगने के बाद फ्रेंड्स फिक्स नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत बारीकी से काम करना है इसमें। देखिए मैं सेंटर नापा हूँ 140 आया है, और इंच में देखिए 5.5 इंच इसका सेंटर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसका सेंटर और पाइप का सेंटर दोनों मिला लेना है, तभी मैं मेजर टेप से ही नाप दे रहा हूँ। ये देखिए सेंटर आ रहा है, और चाहे तो आप इधर वो लम्बा लटका के भी चेक कर सकते हैं इसका सेंटर, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर मैं जो है कमोड का दिखाता हूँ सेंटर, ये देख लीजिए 140 आ रहा है यहाँ पे और 5.5 इंच। देखिए फ्रेंड्स ये कमोड है, कमोड का मैं नापता हूँ, ये प्लस वाला है और ये इसका है। तो देखिए मैं जो मेरा मेजर टेप है, देखिए प्लस वाले में सेंटर में लगाया हूँ बिल्कुल, और ये वाला देखिए ये भी जो है 140 mm आ रहा है इसका सेंटर, ये देखिए 140 mm आ रहा है। ये देखिए पूरा 140 mm आ रहा है, और इंच में नापेंगे तो 5.5 इंच आ रहा है। तो दोस्तों अभी ये बिल्कुल लग चुका है पूरा, और यहाँ पे देखिए 1 इंच का मैं लगाया हूँ, ये बाथरूम में पूरा 1 इंच का फिटिंग होगा, इसका वीडियो डालूंगा मैं। तो 1/1/2 का ब्रास एल्बो है, यहाँ पे एल्बो लगा के इधर टी में मैं कनेक्ट करूंगा इसको। और अभी जो है ये सिर्फ ये देखिए तार से बांधा हूँ, क्योंकि इसमें जो है ब्रेकेट नहीं दिया था, और किसी किसी कंपनी में दिया रहता है, तो इसमें तार से मैं बांधा हूँ। बाकी इधर मैं सीमेंट से जो है इसको चारों तरफ से पूरा मैं जाम करूँगा, ताकि ये हिले ना कहीं भी। तो यह जो है 9 इंच का जो दीवार होता है उसमें फिक्स होता है, तो अभी यहाँ पे 9 इंच का दीवार नहीं था, तो 4 इंच में देखिए इस तरह से मैं लगाया हूँ बाहर से। और अभी इसके बाद यहाँ से नीचे से जो है ऊपर यहाँ पर जो है दीवार आएगा, 4 इंच का दीवार चलाएँगे, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ तक तो जो है ईंट से हमको कवर करना है, उसके बाद फिर प्लास्टर होगा, प्लास्टर और टाइल्स में फेंस जो है ये पूरा फिनिशिंग यहाँ तक लेवल में आना चाहिए, ठीक है। बल्कि यहाँ 5 mm अगर बड़ा रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अगर अंदर हो गया तब भी जो है दिक्कत होगा, ठीक है। टाइल्स के एकदम प्लस लेवल तक ये जो है होना चाहिए। और अभी फेंस ये जो है ये देखिए ये फर्श दिखाई दे रहा है, तो यहाँ इंडियन सादा सीट आएगा, जो कि टाइल्स वाइल्स लगने के बाद पूरा 15 इंच जो है ऊपर हो जाएगा, यहाँ तक पूरा इस एरिया में पूरा मैं लूँगा, पूरा फर्श उठाएंगे, ठीक है। तो जो ये वाल हंग कमोड है, वाल हंग कमोड फिटिंग करने के बाद जो टाइल्स होगा, टाइल्स से 10 इंच ऊपर जो है हैंगिंग रहेगा, टंगा हुआ रहेगा टाइल्स से 10 इंच के बाद। तो देखिए दोस्तों आप जो है फ्लश टैंक को दीवार चला के हम कवरिंग कर दिए हैं, ये देखिए ऊपर यहाँ तक दीवार चला हुआ है, नीचे से देखिए पूरा 4 इंच तक दीवार चला है इसमें, और ये कवर हो गया है पूरा अभी ये, ठीक है। तो जो इतना अभी बच रहा है यहाँ पे, यहाँ तक जो है प्लास्टर करेंगे, और 1.25 इंच जो है यहाँ पे छोड़ देंगे, ताकि जो है टाइल्स में वो एडजस्ट हो जाए, और टाइल्स जब लगेगा तो यहाँ तक आना चाहिए ये पूरा प्लस यहाँ तक।
देखिए पूरा कवरिंग होने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये।